दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने अपनी नई भर्ती का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं कि इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरें तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप इस भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं और दोस्तों ऑफिशियल नोटिस पर जाकर आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस में। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से हम वीडियो बनाकर लाते हैं और दोस्तों आपकी जो न्यूज़ होती है उसे सबसे पहले लेकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर लेकर आते हैं, जिससे दोस्तों आप किसी भी भर्ती को मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों उस नोटिफिकेशन को दिखा देते हैं, जिससे दोस्तों आप विश्वास कर सकते हैं कि जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो नई भर्ती निकली है आप उसे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ उस नंबर और वेबसाइट पर जहाँ दोस्तों अभी अभी जो राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती का ऐलान हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सरकारीrizult.com पर दोस्तों अभी अभी जो राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती निकली है उसका दोस्तों अभी अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा मैं नीचे आता हूँ तो दोस्तों आप टॉप पर यहाँ देख सकते हैं, लेटेस्ट जॉब पर आप सबसे ऊपर टॉप पर यहाँ पढ़ सकते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इस कॉलम में, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2019। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस पेज पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ और दोस्तों आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर दोस्तों, अभी 6 नवंबर 2019 की ये खबर है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कोई दोस्तों कोई पुरानी खबर नहीं है। और देखिए 2:39 PM पर दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है। थोड़ा दोस्तों नीचे आते हैं और आपको दिखा देते हैं दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो एप्लीकेशन बिगेन है दोस्तों, जो आप ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं इसका दोस्तों 18/11/2019 से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17/12/2019। जी हाँ दोस्तों, 17 दिसंबर 2019 की इसकी लास्ट डेट हो जाएगी, कि लगभग 1 महीने दोस्तों इसके ऑनलाइन फॉर्म चलने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़ा नीचे आते हैं और आपको दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं इसकी फ़ीस के बारे में कि इसकी फ़ीस कितनी है। दोस्तों अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको दोस्तों 150 रुपये पे करने होंगे। अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आपको दोस्तों 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। दोस्तों बात करते हैं, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो दोस्तों आपको कितने रुपए पे करने होंगे। तो दोस्तों आप अदर स्टेट से आएंगे तो आपको 150 रुपये ही पे करने होंगे, क्योंकि दोस्तों जो अदर स्टेट से आएंगे वो दोस्तों जनरल और ओबीसी कैटेगरी में ही आएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास इन एनी रिकॉग्निशन बोर्ड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपने किसी भी बोर्ड से दोस्तों 10वीं पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इस जो फॉर्म निकला है इसको आसानी से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ देख सकते हैं लिखा क्या लिखा है, क्लास 10 हाई स्कूल पास फॉर एनी बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी बोर्ड से आते हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लगभग 3700 के आसपास दोस्तों भर्ती निकली है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल है 3678 पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, 3678 पोस्ट टोटल निकली हुई है। बात करें एज लिमिट की तो दोस्तों एज लिमिट बहुत ही है इसकी, देखिए दोस्तों कितनी है, 18 से 40। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी एज लिमिट 18 से 40 है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी पोस्ट की तो इसमें देखिए दोस्तों कितने टाइप की पोस्ट निकली हैं, आप नीचे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, टोटल पोस्ट यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप इसे यहाँ पर जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, इस बॉक्स में आकर आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों बात करें इसकी दोस्तों, इसके ऑनलाइन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन की, तो आप यहां पर दोस्तों नीचे आकर इसका ऑनलाइन फॉर्म यहां से फिलअप कर सकते हैं। इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों 18/11/2019 को।
फिर दोस्तों आप यहां से इस लिंक पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये थी पूरी न्यूज इस राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। अगर आप भी दोस्तों इस भर्ती के बारे में दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी न्यूज है। अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो दोस्तों आपका वेट खत्म हो गया है, क्योंकि जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो भर्ती है, ये जो दोस्तों आ गई है, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आज ही आया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो आप इसका जो फॉर्म है, इसे दोस्तों आप 18/11/2019 को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती के बारे में। अगर आपको दोस्तों हमारी दी गई जानकारी अगर पसंद आई है, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए न्यूज लेकर आते हैं, जिससे दोस्तों आपकी कोई भी जो भर्ती है वो मिस ना हो सके। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।